नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपराधियों के लिए बुलडोजर बाबा, बच्चों से मिलने पर बन जाते हैं टॉफी और चॉकलेट वाले बाबा। निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उमड़ा बाल प्रेम, मिले बच्चों से प्यार दुलार कर खूब पढ़ने को किया प्रेरित। उपहार स्वरूप सीएम योगी ने बच्चों को भेंट की टॉफी व चॉकलेट। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिग्विजय पार्क में होने वाले लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ स्थगित। एक दिन का राजकीय शोक हुआ घोषित। अब रविवार को सुबह 11 बजे होगा लोकार्पण का कार्यक्रम, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। दीवानी परिसर में स्थित 24 कक्षीय न्यायालय भवन का इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने विधिवत पूजन कर एवं फीता काट कर किया लोकार्पण। कहा, न्यायालय के कार्यों में गति प्रदान करेगी न्यायालय की ये बिल्डिंग। गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज तक बन रहे फोर लेन का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। कहा, समयबद्ध ढंग से पूर्ण हो फोर लेन व नाला निर्माण कर। फोर लेन निर्माण के साथ ही अंडरग्राउंड हो विद्युत केबल। निर्माण कार्य के दौरान ही सुनिश्चित करें जल निकासी की व्यवस्था। भूमाफिया ओम प्रकाश पांडे व उसकी पत्नी के मकान को गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में कैंट पुलिस ने किया कुर। की जा रही आगे की विधिक कार्रवाई। देवरिया बाईपास स्थित निर्माणाधीन नाले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। कहा, जल भराव से है निजात प्राथमिकता, सुनिश्चित हो नाला सफाई। ना चलेगा कोई बहाना, ना ही क्षम्य होगी किसी प्रकार की लापरवाही। बरसात से पहले नाला निर्माण के कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आए 2,64,116 मामले, 2,25,190 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 18 मामले, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय में 12 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक दूसरे से माला पहनवाकर किया विदाई। जोड़ों ने पारिवारिक न्यायालय को दिया धन्यवाद। सीएम योगी ने दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश शुक्ला एवं पूर्व आयकर आयुक्त की माता पुष्पा श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में बधाया ढांढस। गोरखपुर विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संगोष्ठी व उर्दू भाषा एवं साहित्य तथा भारतीय भाषाएं पुस्तक विमोचन समारोह का किया गया आयोजन। डॉक्टर अजीज अहमद की लिखी पुस्तक मुझे सब है याद जरा जरा का हुआ विमोचन। और पूजन और गीता पाठ कीर्तन के साथ गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह का हुआ शुभारंभ। कहा, घर घर में पहुंचे गीता, यही गीता प्रेस के ट्रस्टियों का है संकल्प। अब समाचार विस्तार से। अपराधियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां बुलडोजर बाबा बन जाते हैं, वहीं बच्चों से मिलने पर सीएम योगी टॉफी व चॉकलेट वाले बाबा बन जाते हैं। निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम भी उमड़ता दिखा। गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज फोर लेन के निरीक्षण के दौरान वह बच्चों को देख कर रुक गए। आत्मीय अंदाज में उनसे मुलाकात की, उन्हें खूब प्यार और दुलार दिया।
मुस्कुराते हुए फोर लेन बनने पर होने वाली सहूलियत के बारे में सवाल किया और उन्हें खूब पढ़ने तथा आगे बढ़ने को प्रेरित किया। सीएम योगी ने बच्चों को उपहार स्वरूप टॉफी व चॉकलेट की भेंट की। इसी तरह देवरिया बाईपास मार्ग पर नाला निरीक्षण के दौरान भी उन्होंने वहाँ मौजूद कुछ बच्चों को खूब दुलारा और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्नेहिल सानिध्य प्राप्त कर दोनों ही स्थानों पर बच्चे अभिभूत नजर आए। क्यों सड़क बन रही है की ना ठीक बन रही है? स्कूल स्कूल पढ़ते हो? सभी लोग जाते हो स्कूल ना रोज? बहुत अच्छा, सड़क बनने से विकास होगा, यहाँ आने जाने में फिर समस्या नहीं होगी। आओगे चॉकलेट सबको दे दो, नहीं मिला उसको तो। इसमें पानी आ जाएगा, आप कल जमाओ तो नहीं होगा ना इधर। कहो भाई स्कूल स्कूल पढ़ते हो, क्या नाम है? स्कूल पढ़ते हो? कौन क्लास में पढ़ती है? हाँ तो फिफ्थ बोलो या पांचवी बोलो, ठीक है? क्या नाम है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार का कार्यक्रम स्थगित हुआ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3:30 पर रामगढ़ ताल के महंत दिग्विजयनाथ पार्क पर पहुंचना था, जिसमें 33.16 करोड़ की लागत के 40 परियोजनाओं का लोकार्पण करना था। इसके अलावा 111.33 करोड़ रुपए की लागत की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास होना था। यह कार्यक्रम यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर स्थगित हुआ, जिस पर प्रदेश सरकार ने राजकीय शोक घोषित कर दिया। अब यह कार्यक्रम रविवार को सुबह 11 बजे होगा, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, क्योंकि राजकीय शोक घोषित हुआ है तो उसी के निर्देश के क्रम में आज के कार्यक्रम को कल के लिए निर्देश अनुसार पोस्टपोन किया गया है, बाकी सारी व्यवस्थाएं वैसे ही रहेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने दीवानी कचहरी में स्थित 24 कक्षीय न्यायालय भवन का फीता काट कर लोकार्पण किया। आपको बता दें कि लोकार्पण से पहले हाईकोर्ट के जज सिद्धार्थ वर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना कर बिल्डिंग का शिलापट हटाकर 7 मंजिला बिल्डिंग का लोकार्पण किया। इस बिल्डिंग में फायर फाइटिंग एवं स्मोक डिटेक्टर एवं डाटा नेटवर्क सुविधा से यह भवन लैस है। 7वें तल्ले पर मीटिंग हॉल है, जो कि सभी कोर्ट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस बिल्डिंग में 6 लिफ्ट ऊपर आने जाने के लिए लगाई गई है, जिसमें 2 लिफ्ट न्यायाधीश के लिए लगाया गया है और बाकी 4 लिफ्ट अधिवक्ता व वादकारी आएंगे जाएंगे। इस बिल्डिंग में एक चिकित्सालय को भी स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सिद्धार्थ वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला जज तेज प्रताप तिवारी, मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय देवेंद्र कुमार सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी जयप्रकाश, सचिव देवेंद्र कुमार तृतीय, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पांडे, एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, चौरी चौरा के डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय सहित दीवानी न्यायालय के अन्य न्यायाधीश व वक्तागण मौजूद रहे। धारणं चंद्रम महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपरुहते चैव
लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा महागणाधिभानु सरस्वती प्रणम्यादो धर्म कामाक्ष सिद्धये अंबिका देवता वरुण देवता कुल देवता इष्ट देवता ग्राम देवता क्षेत्रीय देवी देवता प्रसन्नार्थ पूजन अर्चन अभ्यर्चन हवन कर्मणि सर्वं कर्म अद्य महं करिष्ये महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ओं गणहनान्तः गणपतिं हवामहे प्रियाणान्तः तथा लोकान अकल्पयन् जल नीचे प्रजननो मेधसवीरवंशस्य आत्मशनिः कुलशनिः भयशनिः आत्मशन्याः चन्द्रमाः मनसो जातकक्षोः सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणस्य मुखादधीरजायतः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः कपूरारार्धिक्यं समर्पयामि यत्रावैत्स्यं महागणाधिपते महावरुणदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वाग्देवताभ्यो नमः ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं करुणस्य क्या कह रहे हैं यहाँ पे सर? यहाँ पर हमारी ओपीडी चला करेगी। अच्छा, और मॉर्निंग में 10 बजे से सब बिजनेस के अनुसार फार्मेसिस रहेगी सर। ठीक है, बहुत थैंक यू।
कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन सोमवार को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पूर्व वहां की तैयारियों का जायजा लेने के बाद शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की तथा अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लिया। शाम को उन्होंने गोरखनाथ मंदिर से निकलकर नगहा रोड वाया स्पोर्ट्स कॉलेज मार्ग पर फोरलेन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि फोर लेन के निर्माण से गोरखपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ होगा। यह जरूरी है कि इसका निर्माण निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि फोर लेन निर्माण के साथ ही यह ध्यान देना जरूरी है कि अभी से ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों कि यहां व आसपास के मोहल्लों में जलभराव की समस्या न होने पाए। उन्होंने फोर लेन के किनारे विद्युत तार को अंडरग्राउंड करने तथा फोर लेन पर पर्याप्त पथ प्रकाश की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। सीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हिदायत दी कि निर्माण की गुणवत्ता में कोई खामी नहीं मिलनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहे तक फोर लेन निर्माण से करीब 5 लाख की आबादी को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। 2.89 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर करीब 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीएम योगी ने पार्षदों से सड़क की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली और कहा कि कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहल्ले के बच्चों से बात की, उनको चॉकलेट दिया, जिस पर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, सदर सांसद रवि किशन, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा, SDM सदर कुलदीप मीणा, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वार्ड नंबर 70 जंगल नकहा के पार्षद उमेश चंद श्रीवास्तव ने कहा, सब कुछ शिफ्ट कर दो ना नीचे, अंडरग्राउंड कर दो।
आप आसमान के ऊपर देख सकते हैं। उसका ड्रेनेज की क्या व्यवस्था? ड्रेनेज नाली सर पहले से बनी हुई है, इधर का पानी गोरखैया से होकर निकल जाएगा, उधर जंगल खोल जाएगा। नहीं कहीं वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, मोहल्लों का पानी कहीं भी पानी अगल बगल के मोहल्लों में भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इसको एक बार देख लो, चेक कर कहीं वाटर लॉगिंग नहीं। पानी कहीं भी पानी अगल बगल के मोहल्लों में भी वाटर लॉगिंग नहीं, ठीक है ना? इसको एक बार देख लो, चेक कर यहाँ पे डालो। 0.5 में काम ऑफ होता है और इसमें बस ओवर डीएम और डीसी का काम है, ऊपर तक कम रहा है। उसमें देखिए उसमें स्ट्रीट लाइट भी दीजिए, ये एक्चुअली पहले से सर क्योंकि ऑलरेडी ये ड्रेन बनी जिससे वह पानी यहाँ का जितना बरसात का पानी निकल जाए, ठीक कैसे है जी? ठीक है ना? ये काम चल रहा है ना एकदम? सड़क तो भी नल जमाव भी नहीं होगा। हमको क्यों भगा रहे? क्यों सड़क बन रही है तो की ना नहीं बन रही है? स्कूल स्कूल पढ़ते हो सभी लोग, जाते हो स्कूल ना रोज? बहुत अच्छा, सड़क बनने से विकास होगा यहाँ, आने जाने में फिर समस्या आओगे। छोटे बच्चों को एक व्यक्ति एक बार में भाई बच्चे हो गया ना सबको, जस्ता जिसको नहीं मिला उसको तो उमेश चंद श्रीवास्तव पार्षद वार्ड नंबर 70 जंगल नकहा में महाराज जी के द्वारा लगभग 8-10 करोड़ का काम यहां चल रहा है और जिससे यहाँ पूरे वार्ड में पानी भरा हुआ था, महाराज उसको देखते हुए आज यहाँ 8-9 करोड़ का काम जो दिए हैं यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज महाराज उसको अपने स्वयं देखे हैं, निरीक्षण किए हैं, ये भी एक जनता में बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि जो महाराज जी धन देते हैं उसको देखते हैं कि काम हो रहा कि नहीं हो रहा है। और इसके और यहाँ जो आज आपका डिवाइडर बन रहा है ये भी आपका जो नकहा पुल से लेकर के और इस ओर कॉलेज तक है उसको भी महाराज जी ने निरीक्षण किया, यह हमारे बहुत ही यहाँ जनता के लिए बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। और मैं पुनः महाराज से अभी और निवेदन करते हैं कि बार बार इसको और आकर के देखते रहें जिससे काम अच्छे ढंग से हो सके। जिलाधिकारी के निर्देश पर कैंट पुलिस ने भू माफिया ओम प्रकाश पांडे पुत्र राज किशोर पांडे निवासी मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर का मोहद्दीपुर स्थित भवन एवं जमीन व उसकी पत्नी के मकान को गैंगस्टर एक्ट में तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व टीम की द्वारा कुर्की की कार्रवाई की गई। अपराध से अर्जित धन से भू संपत्ति बनवाया गया था जिस पर कैंट पुलिस व राजस्व टीम की उपस्थिति में कुर्की की कार्रवाई की गई जिसका मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपये है। इस संबंध में मकान कुर्क करने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित राजस्व व पुलिस विभाग की टीम मौजूद रही। निवासी का ध्यान दें, मोहल्लेवासी और यहाँ के निवास करने वाले सभी लोग
को सूचित किया जा रहा है कि गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त ओम प्रकाश पांडे पुत्र राजकिशोर पांडे जो अपने आपराधिक गतिविधियों से संपत्ति इकट्ठा किया था और उस संपत्ति से उसने मकान और ये जमीन खरीदा हुआ था, उक्त जमीन और मकान को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया जा रहा है। अपने आपराधिक गतिविधियों से इकट्ठा की गई संपत्ति उसकी जो जो भी है उस समस्त संपत्ति को चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। आज इसी क्रम में यह मकान और ये जमीन तहसीलदार सदर महोदय के उपस्थिति में जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय के आदेशानुसार ये जमीन और मकान को कुर्क किया जा रहा है। समस्त नगरवासी ध्यान दें, ओम प्रकाश पांडे जो सातर किस्म का अभियुक्त है उसकी ये भवन की जमीन और मकान को कुर्क किया जा रहा है। आरागी संख्या 242 रकबा 0.197 हेक्टेयर जो उसके द्वारा अपनी पत्नी सुनैना पांडे के नाम से क्रय करके इस पे भवन बनाया गया है। उक्त भवन उसके द्वारा अपराध से अर्जित धन के द्वारा बनाया गया है। इस क्रम में उक्त भवन और जमीन को कुर्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को देवरिया बाईपास स्थित वाणिज्य कर विभाग के सामने वाले निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने नाले की सफाई को लेकर भी अधिकारियों को हिदायत दी। उन्होंने कहा बरसात पूर्व जल भराव की समस्या का समाधान होना चाहिए, इसके लिए नाला निर्माण व सफाई कार्य पूरा ध्यान देना होगा। सीएम योगी ने कहा कि देवरिया बाईपास मार्ग को फोरलेन करने का कार्य भी शीघ्रता से पूरा किया जाए, साथ ही यहां केबल को अंडरग्राउंड करना सुनिश्चित किया जाए। जीडीए द्वारा बनवाए जा रहे इस नाले से तारामंडल क्षेत्र के करीब 8 किलोमीटर में बसी कॉलोनियों के लोगों को जल निकासी की समस्या से निजात मिल जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन नालों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने जीडीए के अधिकारियों को बरसात से पहले नाला निर्माण के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नाला के नक्शे को भी देखा और जीडीए के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने जीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों में गुणवत्ता लाई जाए, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवरिया बाईपास मार्ग पर नाला निरीक्षण के दौरान भी सीएम योगी ने वहां मौजूद कुछ बच्चों को खूब दुलारा और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सदर सांसद रवि किशन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अरे भैया उसी में दे दीजिए जिससे
सड़क खोला स्मार्टफोन दे दिए ना पूरा ये वहाँ से लेकर के आगे देवरिया सर चार एक यहाँ पे कोई ड्रिल कैमरा हटाओ यार थोड़ा पीछे करिए ना कैमरा इधर आ जाइए आगे जाके ये तो एक प्रोजेक्टर सर यहाँ चला जाएगा 100% पूरा हमने एलिवेशन देख के इसके अलावा पानी इधर के मॉलों का सब पानी इसमें आ जा रहा है ये और बनाया जा रहा है तो ये तीन आने वाले अरे भैया हाई कैमरा इधर बोल रहा जाना अरे यार उतना भी होगा भाई जरा जी स्कूल पढ़ते हो कौन क्लास में पढ़ती है हाँ तो फिफ्थ बोलो या पांचवी बोलो ठीक है नाम पूछ लीजिएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा सहित अन्य न्यायाधीश ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि शनिवार को लगाए गए लोक अदालत में कुल 2,64,116 मामले आए जिसमें 2,25,000 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पीठासीन अधिकारी वाणिज्य न्यायालय द्वारा 26 व मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण गोरखपुर के लिए गठित पीठ द्वारा 105 वादों का निस्तारण करते हुए 3,89,63,500 रुपये प्रतिपूर्ति अवार्ड पारित किया गया। अस्थायी लोक अदालत के चेयरमैन द्वारा तथा उपरोक्त फोरम के अध्यक्ष द्वारा वादों का निस्तारण किया गया। समस्त न्यायालय द्वारा कुल 26,096 वादों का निस्तारण किया गया जिसमें 2,21,18,238 रुपये वसूला गया। वहीं राजस्व वन विभाग द्वारा 1,07,144 वादों का निस्तारण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा
स्टेट को आमंत्रित करूंगा कि वो माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति को निर्देश को बच्चा सिंह कराने का कष्ट करें। प्रभास त्रिपाठी से अनुरोध है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को बच्चा सिंह कराने का कष्ट करें। न्यायिक मजिस्ट्रेट विराज त्रिपाठी से अनुरोध है कि वो पीठासीन अधिकारी बच्चा सिंह कराने का कष्ट करें। साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल आनंद से निवेदन है कष्ट करें। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय की अनुमति हो तो इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की जाए। धन्यवाद सर। आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय एवं आदरणीय मैडम जनपद लोक अदालत जिला प्रशासन से पधारे। यहाँ हमें इसको निर्धारित करने का प्रोत्साहन मिलेगा। आज इस अवसर पे मैं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन माँ सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए और दीप प्रज्वलित करते हुए करें। इसी क्रम में मैं पीठासीन अधिकारी अस्थायी लोक अदालत पर करूँ अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोरखपुर से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय को बुके देते हुए न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करूंगा। अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत संस्था में अनुरोध करूंगा। नवीन नहीं है, यह सतत एक यज्ञ की भांति जारी है। इसका प्रारंभ हमारे देश की आजादी, भारतीय संविधान के साथ साथ इसका आगाज हो गया था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में न जाते हुए बहुत संक्षिप्त में दो तीन बातें आपसे जरूर करना चाहूंगा कि भारत भूमि की सुरक्षा, मातृभूमि की सुरक्षा का जो सबसे बड़ा विधान है वह है हमारा संविधान। समस्त विधियां, समस्त नियम, समस्त उपबंध, समस्त कानून, समस्त व्यवस्थाएं उसी के अंतर्गत होना अपरिहार्य है। और एक ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान का 39 क जो हमें एक शक्ति प्रदान करता आ रहा है इस देश की आजादी से निरंतर,
वह है कि भारत में गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता की वजह से न्याय से कोई वंचित न रह जाए। मैं आपके समक्ष अपनी बात को रखने के लिए अपने को स्वयं समर्थ नहीं पा रहा हूं, परंतु आपको इस विश्वास के साथ मैं अवगत करा रहा हूं कि हृदय में इच्छा है, मन में एक अभिलाषा है, कुछ करने का जज्बा है, तो साहब वो जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विडंबना है कि भारतीय संविधान से शक्तियां प्रदत्त है, उसके अनुक्रम में बहुत सारी विधियां निर्मित हो रही हैं, फिर भी हमें ऐसे अवसरों की आवश्यकता पड़ रही है। कोई भी कानून कागज के सफेद पन्नों पर काली स्याही से लिखा हुआ चंद अक्षर है, जब तक वह सही मूर्त रूप में, सार्थक रूप में साकार न कर सके। यह आयोजन इसी के निमित्त एक कड़ी है। डिग्निटीज ऑफ द डायस श्री दीपक जी, जज ऑफ द कमर्शियल कोर्ट श्री देवेंद्र सिंह जी, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट एंड ऑल द डिग्निटीज ऑफ द डायस, ladies, which includes my wife, gentlemen, which includes my secretariat, they have been kind enough to accompany me, Vijay Jaiswal, Praveen, Vijay Singh, Soni Saab, Gautam Soni, my friend from Allahabad, Vijay Pandeji, the administration, which has been kind enough to look after me. They have given all the comforts, they took around me and my wife throughout the district of Gorakhpur yesterday. Mr. Vishnoi, the SP, our finance, the SDN finance, and so many others, and most importantly, judicial officers present who are working, as well as our retired judicial officers, Mr. Pandey, Mr. Ever since I reached Gorakhpur yesterday evening, I have a feeling that I have been loved, I have been welcomed. Mr. Tiwari, the district judge here, has not left any stone unturned to see that my wife and myself feel comfortable, Mrs. Tiwari included. She has also left no stone unturned, no string unpulled, left no string unpulled, and let me add, no cutlet uncooked, to see that we are well looked after. In the morning, my wife said that you are not a very good orator, go with a prepared speech. But after I have come over here, and after I felt the love that you've given to me, I felt that I should go a bit away from the prepared speech. The children who performed, definitely they have put in a lot of hours, days and weeks to come up with the wonderful rendition. The school, I'm not seeing the teachers. I would like to specially thank them. Children are not easy to manage. We have also had children who have grown from that age and have now reached an age when they have become lawyers and all that. But still, children are not easy to manage. The teachers must have really worked hard.
I have also not seen the law students who did the perform the last drama. We are really thankful to that for that. आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 14/5/2022 द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जनपद गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बासगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा और गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक संबंधीवाद धारा 138 प्राक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल विवाद, सर्विस वादों व किराया सुखाधिकार व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्टेज पर भी मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा तथा यातायात संबंधित चालानों को वेबसाइट vcourt.gov.in के द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते हैं। और कितने मामले अभी तक लगभग जो है दीवानी कोर्ट के जो है करीब जो है 20,000 मामले और बैंकों के करीब जो है 2,000 के मामले और टोटल कुल मिलाकर जो है 2,00,000 के ऊपर लगभग निस्तारित किए जाएंगे होने की संभावना है। और आगे अभी और अन्य न्यायालयों से आना शेष है, अभी उनके डाटा प्राप्त होना अभी शेष है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपराधियों के लिए बुलडोजर बाबा, बच्चों से मिलने पर बन जाते हैं टॉफी और चॉकलेट वाले बाबा। निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उमड़ा बाल प्रेम, मिले बच्चों से प्यार दुलार कर खूब पढ़ने को किया प्रेरित। उपहार स्वरूप सीएम योगी ने बच्चों को भेंट की टॉफी व चॉकलेट। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिग्विजय नाथ पार्क में होने वाले लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ स्थगित। एक दिन का राजकीय शोक हुआ घोषित। अब रविवार को सुबह 11 बजे होगा लोकार्पण का कार्यक्रम, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। दीवानी परिसर में स्थित 24 कक्षीय न्यायालय भवन का इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने विधिवत पूजन कर एवं फीता काट कर किया लोकार्पण। कहा, न्यायालय के कार्यों में गति प्रदान करेगी न्यायालय की ये बिल्डिंग। गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज तक बन रहे फोरलेन का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। कहा, समयबद्ध ढंग से पूर्ण हो फोरलेन व नाला निर्माण कार्य। फोरलेन निर्माण के साथ ही अंडरग्राउंड हो विद्युत केबल। निर्माण कार्य के दौरान ही सुनिश्चित करें जल निकासी की व्यवस्था। भूमाफिया ओम प्रकाश पांडे व उसकी पत्नी के मकान को गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में कैंट पुलिस ने किया कुर्क। की जा रही आगे की विधिक कार्रवाई। देवरिया बाईपास स्थित निर्माणाधीन नाले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। कहा, जल भराव से है निजात प्राथमिकता, सुनिश्चित हो नाला सफाई। ना चलेगा कोई बहाना, ना ही क्षम्य होगी किसी प्रकार की लापरवाही। बरसात से पहले नाला निर्माण के कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आए 2,64,116 मामले, 2,25,190 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 18 मामले, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय में 12 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक दूसरे से माला पहनवाकर किया विदाई। जोड़ों ने पारिवारिक न्यायालय को दिया धन्यवाद। सीएम योगी ने दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश शुक्ला एवं पूर्व आयकर आयुक्त की माता पुष्पा श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में बधाया ढांढस। गोरखपुर विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संगोष्ठी व उर्दू भाषा एवं साहित्य तथा भारतीय भाषाएं पुस्तक विमोचन समारोह का किया गया आयोजन। डॉक्टर अजीज अहमद की लिखी पुस्तक मुझे सब है याद जरा जरा का हुआ विमोचन। और पूजन और गीता पाठ कीर्तन के साथ गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह का हुआ शुभारंभ। कहा, घर घर में पहुंचे गीता, यही गीता प्रेस के ट्रस्टियों का है संकल्प। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में कैंट थाना पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि थाना समाधान दिवस पर सभी अधिकारीगण थानों पर पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसकी समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरे व एसएसपी द्वारा थाना कैंट पर 18 प्रार्थना पत्र की शिकायत सुनी गई, जिसमें कुल 18 प्रार्थना पत्र आए। उन सभी समस्याओं का मौके पर टीम भेजकर निस्तारण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, सभी प्रार्थना पत्रों को ऑनलाइन दर्ज करवाया जा रहा है और उनसे शिकायतकर्ताओं से बात करके उनका फीडबैक भी प्राप्त किया जाएगा।
प्रयास है कि सभी समस्याओं का समय पर निस्तारण हो सके। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अवधेश चंद मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, वो आएंगे सब लोग आएंगे। आप जब रजिस्ट्री करवाए, पैसे दिए तो जमीन कहाँ गई आपकी? सर जमीन खाली थी तो हमको तो हाथ जेल हो गए। दोनों में से आप एक ही पक्ष के हो? नहीं, ये जी नमस्कार। हाँ जी, आपका तो हो गया क्योंकि नगर जाओ आप इसी अगले हफ्ते में टीम आएगी और हल करेगी। इसमें सरकार क्या करेगी बताओ? कमाल ऐसा लग रहा है, बाहर से आ गया विदेशी लोग क्या हुआ भी? इसमें पहले कोई जांच वांच हुई है? शासन के मंशानुरूप आज समाधान दिवस में सभी थानों में हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, अपर जिलाधिकारीगण, एडिशनल एसपीगण और हमारी सभी टीम, उप जिलाधिकारीगण, सीओ, सभी लोग भ्रमणशील हैं और जो शिकायत तहसील दिवस में अन्य माध्यम से आती हैं और समाधान दिवस में आती हैं, उनका टीम बना के रवाना करके मौके पे गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज थाना कैंट में शिकायतें सुनी गई, करीब 18 शिकायतें यहाँ प्राप्त हुई हैं। मौके पर टीम भेज के समय सारणी निर्धारित करते हुए समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है, उसका अनुश्रवण किया जाएगा। सारी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाते हुए उनके शिकायतकर्ताओं से बात करके फीडबैक भी प्राप्त किया जाएगा। गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए कटिबद्ध कार्य किया जा रहा है। सर ज़्यादा किस तरह के मामले हैं? ज़्यादातर मामले जमीन एवं थाना संबंधित मामले हैं और इसमें संबंधित राजस्व और पुलिस टीम संयुक्त टीम भेज के अच्छे समन्वय के साथ इसको हल कराने के लिए निर्देशित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पारिवारिक न्यायालय में आपसी सुलह समझौते के आधार पर 12 जोड़ों को प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय देवेंद्र कुमार सिंह ने अपने समक्ष एक दूसरे को माल्यार्पण करवाकर गिफ्ट देकर विदा किया। इस संबंध में जब जोड़ों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोगों का आपसी कहासुनी की वजह से मनमुटाव के कारण विवाद हो गया था, जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब न्यायालय में वकील व जज साहब के समझाने पर हम लोग खुशी खुशी घर जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपसी सुलह समझौता कर चुके जोड़ों व प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा, ये तो पूरा परिवार आया हुआ, इनके साथ खिंचवाना हो तो लाओ, ये मारा देना महिलाओं का कोई फोटो भी ले लेते आप ले। आप इनको बहुत खुशी खुशी रहना, साथ साथ लाओ बोला। अच्छा ये है नहीं, बहुत बहुत खुशी से रहना, ठीक है? हाँ क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, कोई बात नहीं, आप ही डाल दीजिए। और बड़ी खुशी से रहना, लीजिए मैडम, ठीक है सर, खुश रहना, डरना मत, बहुत अच्छी जगह नहीं है कचहरी आने के लिए, ठीक है? कोई बात नहीं, मार पीटना मत करना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तब आप राजी हो? ना बना,
और देखो आप खुश रहो मत लड़ना, लीजिए भाई खुश रहना साथ साथ रहो, ये लीजिए कुछ जबर बच्चे। आपकी पत्नी कहाँ है? आइए पकड़िए। हाँ ये लीजिए आप ही के लिए है। हाँ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया लीजिए। हाँ आप खींचिए। हाँ रमेश कुमार साहनी, आज आप सुलह समझौते के बाद क्या कारण तक अलग हुए थे, किस तरह से आप लोगों को मदद किया गया न्यायालय में? गलत फहमी में हुआ था। अभी किस तरह से आप लोग मदद हुई है, क्या आगे किस तरह करेंगे? सुलह समझौता के दौरान मतलब दोनों पक्ष वकील साहब के प्रयासों के द्वारा समझौता हुआ। न्यायालय के लिए कुछ कहना चाहिए? नहीं, बहुत मदद किया कोर्ट ने भाई, कोर्ट ने मदद की। सतीश कुमार, आज आप सबसे कुछ घर जा रहे हैं, क्या मामला था, अलग हुए थे, फिर कितने दिन तक चला? एक साल नहीं, एक महीना चला। क्या कारण था? कारण को आपसी प्रॉब्लम था। आज फिर एक साथ पूछ जा रहे हैं, कहना चाहेंगे न्यायालय के लिए? बहुत अच्छे हैं न्यायालय के लोग, वकील साहब लोग तमाम मदद। हाँ बहुत मदद किए, सुलह समझौता करा दिए। क्या उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अलग हो जाते हैं? नहीं अलग तो नहीं होना चाहिए, एक साथ रहने से अच्छे है, एक साथ ही रहना चाहिए। क्या कारण था अलग हुए, कितने दिन हो गया? ये एक आध महीने हो गया है। और आज फिर एक होकर जा रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहना चाहेंगे न्यायालय के लिए इतनी जल्दी आपकी मुकदमा खत्म? हाँ अच्छा हो गया, मुकदमा खत्म हो गया। आज माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति के उपस्थिति में गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति की उपस्थिति का इतना प्रभाव हुआ है कि पिछली बार से बहुत अधिक मुकदमे इस बार निस्तारित हुए हैं। और जहां तक परिवार न्यायालय की गोरखपुर की बात है तो कुल 82 मुकदमे परिवार न्यायालय द्वारा तय किए गए हैं आपसी सुलह समझौते के आधार पर और 14 मुकदमे प्री लिटिगेशन केस के अलावा हुए हैं और इनमें से 12 जोड़े ऐसे रहे हैं जो साथ साथ गए हैं यहाँ से सुलह समझौते के बाद। सर कितना कारगर साबित हो रहा है लोक अदालत का असली तात्पर्य यह है कि मुकदमों को लंबा ना खींच के आपसी सुलह समझौते से अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जाए, क्योंकि यदि लोक अदालत में कोई मामला निस्तारित होता है तो ना तो उसकी कोई अपील होती है ना कोई रिविजन होता है और ये अंतिम रूप से यहीं दोनों पक्ष संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो लोक अदालत का उद्देश्य पूर्णतः सफल करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें बहुत अधिक सफलता मिल भी रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश शुक्ला के तारामंडल भरवलिया स्थित आवास पर पहुंचकर स्वर्गीय शुक्ला के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में ढाढ़स बधाया। इसके उपरांत सीएम योगी ने अलहदादपुर बेतियाहाता रोड पर पूर्व आयकर आयुक्त शिवदयाल श्रीवास्तव के आवास पर जाकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि श्री श्रीवास्तव जी के माता जी श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव का विगत दिनों निधन हो गया था। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन और विभिन्न अधिकारीगण एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। Thank you.
दे दिया बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा ग्रास कर लेते हैं भेज दे भेज दे कौन पढ़ते हो सब ये डिबेट के लड़के हैं ओ दे दिया महाराज जी ठीक है आशीर्वाद माना हो गया ना तुम्हारा आप ही पाइस को काम है पापा ये मेरे साथ कहाँ गए पाइस को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी व उर्दू भाषा एवं साहित्य तथा भारतीय भाषाएं पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अली अहमद को माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत कई पुस्तकों का विमोचन किया गया जिसके संबंध में डॉक्टर अजीज अहमद ने बताया कि मुझे उर्दू पसंद है और उर्दू मेरी ज़ुबान पर होता है। मेरे द्वारा लिखी जो नज़में और गज़लें थीं वह धीरे धीरे किताब की सूरत में तब्दील हो गईं और उसका नाम रखा मुझे सब है याद ज़रा ज़रा। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ से लेकर स्कूल और कॉलेज की बाजी की टीमों से लेकर यहां तक सिलसिला जारी रहा। इस अवसर पर बीएचयू उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आफताब अहमद आफाकी, शिबली कॉलेज के प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर, सदस्य संस्कृति मंसूरी उत्तराखंड के प्रोफेसर प्रमोद भारतीय, छात्र छात्राएं सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अजीज अहमद ने कहा जयपुर का कौमी सेमिनार का इनकाल होना है। हमारे देश के चार पांच अधिकों की किताबों का रसगुल्ला भी अमल में आना है। सबसे पहले हम हमारे दरमियान दशी शर्मा ही जो हमारे प्रोग्राम की असल मुझे उर्दू बहुत पसंद है, ज़बान बहुत पसंद है, लेकिन प्रोफेशनली मैं आ गया मेडिकल साइड में। मेरे दोस्त अहबाब जो थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इतनी सारी नज़में गज़लें अशार याद हैं, तो एक अपनी याददाश्त आप तैयार कर लें ताकि कम से कम एक वो याद दहानी रह जाएगी। तो उस लिहाज से मैंने जो अशार मुझे जब जहाँ याद आए मैंने लिख लिए, जो नज़में थीं जो गज़लें थीं, और धीरे 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 एक किताब की सूरत हो गई वो, और उसका नाम मैंने रखा मुझे सब है याद ज़रा ज़रा। मुझे ये इसलिए ये नाम भी पसंद था कि अलीगढ़ से ले कर, बल्कि स्कूल और कॉलेज की बैतबाजी की टीमों से ले करके
अलीगढ़ से यहाँ तक ये सिलसिला जारी रहा और मैंने इसको मुख्तलिफ शक्लों में तैयार किया, तो अब वो मुझे सब हयात ज़रा ज़रा के नाम से मैंने उसे छपवा लिया है, ये इसकी रुदान है। शनिवार को गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह के शुभारंभ के अवसर पर पूजन और गीता पाठ कीर्तन का कार्यक्रम किया गया, जिसके संबंध में गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने बताया कि गीता प्रेस अपनी शताब्दी में प्रवेश कर रहा है। इस उपलक्ष्य में गीता प्रेस के भवन में भगवान का पूजन, गीता पाठ कीर्तन एवं रामायण का पाठ किया गया। भगवान राम सहित गीता प्रेस के लोगों ने और समाज के लोगों ने पूजा में भाग लिया। इसी संकल्प के साथ गीता हर घर में पहुंचे, इन्हीं भावनाओं को लेकर विशेष चेष्टा व प्रयत्न से इस कार्य को करना है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में गीता प्रेस की 20 ब्रांच फैली हुई है, उनमें विभिन्न विषयों पर गोष्ठी आयोजित होगी एवं लोगों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन भी होंगे। इस अवसर पर गीता प्रेस के राष्ट्रीय ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल, ईश्वर प्रसाद, निकुंज अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस के ट्रस्टी आशुतोष उपाध्याय एवं देवी दयाल अग्रवाल ने कहा, जय जगदीश हरे ओम।
आशुतोष उपाध्याय जी, आज गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ हो रहा है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इस विशेष सुअवसर के साक्षी बने हैं। यही हमारा परम सौभाग्य है। ये वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहेंगे इसके, और ठाकुर जी की कृपा से जो भी संयोग बनेगा उसमें यह कार्यक्रम इस प्रकार के संचालित होते रहेंगे, और हम आप सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम का आनंद उठाते रहेंगे। और गीता जी का प्रचार प्रसार, ये 100 वर्ष तो पूरे हो गए, अगले हजारों वर्ष तक, लाखों वर्षों तक चलता रहे, ऐसी ही हम सब लोगों की कामना है। आज किस तरह का पूजा पाठ किया गया? आज ही गीता प्रेस को 99 वर्ष पूरे होने के बाद 100वें वर्ष में प्रवेश हुआ है। आज से गीता प्रेस का 100वां वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो शताब्दी वर्ष समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम पूरे वर्ष भर चलेगा, तो आज उस शताब्दी वर्ष का पहला दिन था। इस अवसर पर हम लोगों ने भगवान का पूजा पाठ, गीता पाठ, पूजन, यह इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें गीता पाठ का, गीता का संक्षिप्त पाठ, रामचरितमानस का संक्षिप्त पाठ, पूजन और आरती इत्यादि का कार्यक्रम रहा। देवी दयाल अग्रवाल, ट्रस्टी गीता प्रेस। आज गीता प्रेस अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस उपलक्ष में भगवान का पूजन, तत्पश्चात श्री गीता जी का पाठ एवं श्री रामायण जी का पाठ किया गया। भगवान नाम संकीर्तन के सहित गीता प्रेस के लोगों ने तथा और समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया, एवं इसी संकल्प के साथ कि गीता घर घर में पहुँचे, आध्यात्मिक ग्रंथ हमारे घर घर में पहुँचे, इन्हीं भावनाओं को लेकर हमें वर्ष पर्यंत विशेष चेष्टा से, विशेष प्रयत्न से इस कार्य को करना है। कितने दिनों तक वर्ष जो आज 14 मई 2022 को शुरू हो रहा है, ये हिंदी महीने के हिसाब से 3 मई 2023 को वैशाख शुक्ल त्रयोदशी आएगी, उस समय तक विशेष आयोजन हमारी विशेष जो ब्रांचें हैं, जो हमारे अन्य स्थान हैं गीता प्रेस के, जैसे गीता भवन, गोविंद भवन कार्यालय एवं 20 ब्रांचें जो पूरे हिंदुस्तान में हमारी फैली हुई हैं, उनमें विभिन्न विषयों पर गोष्ठी भी आयोजित होगी, एवं लोग समय समय पर जहां जिस संत का समय मिला उस अनुसार आयोजन भी होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में कल ही हम लोगों को एक शुभ सूचना मिली है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति ने 4 जून को गीता प्रेस में पधारकर आशीर्वचन देने का निर्णय किया है, और हम सभी लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, उत्फुल्लित हैं इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके, आयोजित कर। तो मुख्य रूप से हमारे जो शुभारंभ है श्री राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होगा, इस चीज़ को लेकर गीता प्रेस परिवार बहुत प्रफुल्लित है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपराधियों के लिए बुलडोजर बाबा, बच्चों से मिलने पर बन जाते हैं टॉफी और चॉकलेट वाले बाबा। निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उमड़ा बाल प्रेम, मिले बच्चों से प्यार दुलार कर खूब पढ़ने को किया प्रेरित। उपहार स्वरूप सीएम योगी ने बच्चों को भेंट की टॉफी व चॉकलेट। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिग्विजय नाथ पार्क में होने वाले लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ स्थगित। एक दिन का राजकीय शोक हुआ घोषित। अब रविवार को सुबह 11 बजे होगा लोकार्पण का कार्यक्रम, जिलाधिकारी ने दी जानकारी।
दीवानी परिसर में स्थित 24 कक्षीय न्यायालय भवन का इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने विधिवत पूजन कर एवं फीता काट कर किया लोकार्पण। कहा, न्यायालय के कार्यों में गति प्रदान करेगी न्यायालय की ये बिल्डिंग। गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज तक बन रहे फोरलेन का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। कहा, समयबद्ध ढंग से पूर्ण हो फोरलेन व नाला निर्माण कार्य। फोरलेन निर्माण के साथ ही अंडरग्राउंड हो विद्युत केबल। निर्माण कार्य के दौरान ही सुनिश्चित करें जल निकासी की व्यवस्था। भूमाफिया ओम प्रकाश पांडे व उसकी पत्नी के मकान को गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में कैंट पुलिस ने किया कुर्क। की जा रही आगे की विधिक कार्रवाई। देवरिया बाईपास स्थित निर्माणाधीन नाले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। कहा, जल भराव से है निजात प्राथमिकता, सुनिश्चित हो नाला सफाई। ना चलेगा कोई बहाना, ना ही क्षम्य होगी किसी प्रकार की लापरवाही। बरसात से पहले नाला निर्माण के कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आए 2,64,116 मामले, 2,25,190 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 18 मामले, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय में 12 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक दूसरे से माला पहनवाकर किया विदाई। जोड़ों ने पारिवारिक न्यायालय को दिया धन्यवाद। सीएम योगी ने दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश शुक्ला एवं पूर्व आयकर आयुक्त की माता पुष्पा श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में बधाया ढांढस। गोरखपुर विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संगोष्ठी व उर्दू भाषा एवं साहित्य तथा भारतीय भाषाएं पुस्तक विमोचन समारोह का किया गया आयोजन। डॉक्टर अजीज अहमद की लिखी पुस्तक मुझे सब है याद जरा जरा का हुआ विमोचन। और पूजन और गीता पाठ कीर्तन के साथ गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह का हुआ शुभारंभ। कहा, घर घर में पहुंचे गीता, यही गीता प्रेस के ट्रस्टियों का है संकल्प। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।